देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर। वो मिसिंग कंप्लेन लिखवानी है सर, मेरी वाइफ नहीं मिल रही है। ठीक है। आपने जिस चिड़िया के लिए पिंजरा बनाने बोला था वो चिड़िया खुद उड़ के पिंजरे में आ गई है। अब सुनो, उस चिड़िया के पर ऐसे काटना कि फिर कभी उड़ने लायक ही ना रहे। निकल रहा है, मतलब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खुलता होगा। अजीत केत की मोहन, किसी का फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ पे। कर्मण्य वादी करस्य मा फलेषु कदाचन। बाकी बहर जी, राधा कहते हैं कि हमें अपने कर्म करने चाहिए और बाकी सब आप पर छोड़ देना चाहिए और आप भी उसी की हेल्प करते हो जो खुद अपनी हेल्प करता है। आपने देखा ना, पहले मोहन मेरी बात नहीं मान रहा था, फिर कैसे उसने एकदम मेरी बात मानी। अब मोहन, बुआ, फूफा जी सब मिलकर राधा को ढूंढने गए हैं। मैं यहाँ दादी और पूरे घर का ख्याल रख रही हूँ।
और राधा जहाँ भी होगी आई एम श्योर आप उसकी पूरी केयर कर रहे होगे, और राधा भी घर आने के लिए 100% ट्राई कर रही होगी। हम सब अपना कर्म कर रहे हैं, अपनी खुद की हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी हमारी हेल्प कीजिएगा, जैसे आप अपने सुदर्शन चक्र से सबकी रक्षा करते हो वैसे मेरी राधा की भी रक्षा करना। प्लीज बाकी बहर जी प्लीज। का नाम बताइए। सर राधा त्रिवेदी। यादव वो हाईवे वाला तेरा दोस्त है ना? जी हाईवे वाला। जाओ वहां जाके मेरे लिए भजिए लेके आओ। सर अभी आधी रात को? क्यों कोई प्रॉब्लम है? ढाबा तो रात भर चालू रहता ना। जाओ। ओके सर। सर सर वो मेरी कंप्लेन लिख रहा है सर, मेरी वाइफ मिसिंग है। अब आपकी पत्नी ने हमारे भूख के समय पे गायब होना डिसाइड किया है तो उसमें हमारे पेट की क्या गलती? सयाने लोग कह गए हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अब बुजुर्गों की बातों को कोई टाल तो नहीं सकता, समझ रहे ना? सर आप बोल क्या रहे सर, मेरी वाइफ की जान खतरे में, आपको भजेगी पड़ी है। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे? वो जो था वो कांस्टेबल था, इस थाने का इंस्पेक्टर मैं हूं। घर ही जा रहे थे, आप ही के काम के लिए रुक गए। देखिए ड्यूटी करना तो हमारा फर्ज है, चिंता मत करिए, आइए मैं कंप्लेंट लिखता हूं। मेरी कंप्लेन। अरे लिख रहे हैं ना भाई कंप्लेंट तुम्हारी। पहले एक बात बताओ, मेरे बाल झड़ रहे, मार्केट में पैच मिलता है लगवा ले। नकली तो नहीं लगेगा? कहीं हवा में उड़ने का रिस्क तो नहीं? क्या कहते हैं आप बताइए। अरे अरे भाई साहब अब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? शक्ल देखिए अपनी, गुस्से से लाल हो रही है। लिख रहे हैं ना तुम्हारी कंप्लेंट। ये गदादारी बिन वाला लुक तो मत दीजिए हमें।
बाकी महर्ज हम ये पंखा कैसे बंद करेंगे? बाकी महर्ज इस पंखे को फिर बंद करने का बटन ढूंढना होगा हमें। चलिए नाम बताइए। सर राधा। राधा गजब जमाना है यार, आजकल मर्दों के नाम भी औरतों वाले होने लग गए। होता होगा, नया जमाना है, कुछ भी हो सकता है। सर मेरी वाइफ का नाम है राधा त्रिवेदी। हाँ। सॉरी भाई, गलती हो गई, मुझे लगा आपका नाम राधा है। अच्छा नाम, आपका नाम बताइए। सर मोहन त्रिवेदी। मोहन, राधा मोहन। बैठे बैठे भगवान के दर्शन करा दिए यार आप तो। कमाल है, वैसे क्या लीला रचाई है मोहन जी आपने। मेरा मतलब ये है, कोई झगड़ा, अनबन, कोई लड़ाई हुई थी? आप एक बार सोचिए ना मोहन जी, हम ये सब क्यों करेंगे, क्या मिलेगा हमें सब करके? बाकी मेरी नजरों में अच्छी बन सको, काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, कभी लौट करना हो तेरी जिंदगी में। अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना, तो वो है तुमसे मेरी शादी, तो मेरी जिंदगी में रहने के लायक ही नहीं हो यार। उस पंखे को बंद करने का बटन तो यहाँ पे भी नहीं है, शायद वो बटन बाहर है। हम इस पंखे को कैसे रोके? मोहन जी, हम जानते हैं कि आप इस सबका दोष अपने आप को दे रहे होंगे। हमारी इस हालत का दोष अपने आप को समझ रहे होंगे। मैं सोचिए ऐसा मोहन जी, हमारा तो सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। बस छोटा सा झगड़ा जी? अगर छोटा सा झगड़ा पत्नी के साथ हुआ तो आप यहाँ क्यों आए? आपको जाना चाहिए राधा जी के मायके। ये लड़कियां झगड़ा करके मायके में ही जाती है। सच बात बताए तो हमारी पत्नी भी ऐसे ही मायके चली जाती है। राधा मायके नहीं जा सकती सर। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि उसके घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ा। ऐसा क्यों? सर आप मेरी कंप्लेन लिख रहे हैं या नहीं? मेरी भी मिसिंग है, उसकी जान खतरे में, इससे बड़ा इश्यू चाहिए क्या आपको? चलिए बाबा गुस्सा मत होइए, खैर मुझे क्या करना है आपके घर का मामला। चलिए उम्र बताइए आपके पत्नी की। और ये जानना जरूरी क्यों है? अरे भाई साहब बहुत जरूरी है, आप समझ नहीं रहे, हम किसी और की धर्म पत्नी को पकड़ लाए तो
हम गए राधा त्रिवेदी को पकड़ने, पता चला किसी सीता चतुर्वेदी को उठा लिया। प्रॉब्लम हो सकता है ना, इसलिए बहुत जरूरी है, समझिए आप। तो बताइए क्या उम्र है आपकी पत्नी की? सर 21। 21? तुम्हारी उम्र तो 35-36 की लगती है। सर मैं 35 का हूँ, यह 100 का, उससे आपको क्या लेना था? इससे फर्क पड़ता है। देखिए आपके छोटे से इंफॉर्मेशन से मैंने ये केस सॉल्व कर दिया। केस क्लोज। कैसे? वो ऐसे कि आपकी उम्र है 36 और आपकी धर्मपत्नी मात्र 21 वर्ष की। आपने उनके साथ झगड़ा किया होगा और आपसे नाराज होकर भाग गई अपने यार के साथ। वो क्या कहते हैं आजकल इंग्लिश में? हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो। क्या बोल रहे हैं प्लीज? देखिए मिस्टर मोहन, ऐसे केसेस रोज आते रहते मेरे पास। ये शादी ब्याह का जो मामला है ना, वो बहुत टेढ़ा होता है, खास करके तब जब मर्द और औरत के बीच में उम्र का फासला ज्यादा हो। जैसे आप ठहरे 36 वर्ष के वयस्क आदमी, 21 साल की लड़की को कहां से संभाल पाएंगे आप? अरे मोहन जी, ये नई उम्र की लड़कियां होती है ना, उसे बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत पैसे, गहने, नया मोबाइल, समझ रहे ना? देखिए मोहन जी, आजकल की जो लड़कियां है ना, वो मर्दों से नहीं शॉपिंग मॉल से शादी करना चाहती है, जहां उन्हें सारी सुख सुविधा मिल जाए। बाप तो दे नहीं पाए होगे ये सुख सुविधा, इसलिए भाग गई होगी अपने यार के साथ। मैं कैसे होगी सब कुछ बोलने की? सेक्शन लगाऊंगा, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा तुझे। डालो इसे अंदर। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? मोहन भैया की तरफ से हम माफी मांगते हैं ना आपसे। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बदतमीजी आप कर रहे थे, इसमें मेरे भाई की क्या गलती है? सर प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। अरे निकालो मुझे बाहर, मुझे मुझे मेरी राधा को ढूंढना है। पॉसिबल? राधा मैं ऐसा लगा जैसे हमें हमारे मोहन जी ने पुकारा। मोहन जी, मोहन जी, हम जानते कि हम हमें ढूंढना शुरू कर दिया है, जल्दी से ढूंढ लीजिए मोहन जी। अब शायद हम बहुत देर तक नहीं पाएंगे। हाँ
हम आपका इंतजार कर रहे, जल्दी आ जाइए अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे मुझे राधा को ढूंढना है। पता नहीं वो कौन सी मुसीबत में होगी, निकालो मुझे बाहर। तूने मुझ पे हाथ नहीं उठाया, अपनी बुरी किस्मत को बुलावा दी है। अब सिंगल पीस में तो यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। अरे छोड़ मुझे। जद एक तरफ राधा नहीं मिल रही, दूसरी तरफ मोहन भैया लॉकअप में है। पता नहीं अब कैसे ढूंढेंगे राधा को अजीत। केतकी, शेखर, शेखर को कैसे भूल गए हम? वो हमारी मदद कर सकता है ना, हम शेखर को फोन लगाते। शेखर का फोन ही नहीं लग रहा। शेखर भैया तो इंडिया में है ही नहीं, उनकी आज रात की फ्लाइट थी लंदन की। शायद फ्लाइट में होंगे इसलिए फोन नहीं लग रहा उनका। क्या करेंगे अब? अगर ये पंखा ये धुआं बाहर फेंक रहा है तो जरूर यहाँ से बाहर का रास्ता होगा। तो ये हमारे बाहर निकल की आखिरी उम्मीद। हमें इस पंखे को कैसे करके रोकना होगा, कैसे रोके, क्या क्या करें? हम पे एक ही रास्ता है। यही एक तरीका है पंखे को रोकने का।
श्री कृष्णम शरणम मम। बाकी प्यारी जी हमें शक्ति दीजिए। बाकी प्यारी जी हमारा शरीर नश्वर है और हमारी आत्मा अमर है। हमारी आत्मा हमारे शरीर से अधिक शक्तिशाली है। हमारा मोहन जी के लिए गुन 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 के लिए रे हमारे दर्द से कई ज्यादा है। नहीं नहीं मर नहीं सकते। हमें अपने पति अपने बच्चे के लिए जीवित रहना ही होगा। हम मर नहीं सकते। हमें हार नहीं माननी। हमें लड़ना है उन दोनों के लिए जीवित रहना है। आगे साथ दीजिए कन्हैया।